हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं अभी हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ईंट बनता है, एंड आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो कि किस तरह ईंट को बनाया जाता है। तो फुल प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो में बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड वीडियो को एंजॉय करें। तो मैं आज दिखाने वाला हूं आपको कि ईंट जो होता है उसको किस तरह बनाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है और किस तरह उसको पकाया जाता है। सो वीडियो में बने रहें, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले ये मिस्त्री लोग हैं यहां पर, जो मतलब मिट्टी को एक स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, जिस साइज का उनको बनाना रहता है। ये स्ट्रक्चर हो गया और इनके कंपनी का एक लेबल होता है जिसे ATK लिखा हुआ है, जिसका कंपनी के ओनर है, उनका नाम हो सकता है या और कुछ इसका मतलब हो सकता है। सो ये देख सकते हो आप, इस तरह उसमें मिट्टी को भरा जाता है। मिट्टी को भरने के बाद इसमें उसको पॉलिशिंग कर दिया जाता है, उसको पूरा बराबर से कर दिया जाता है। उसके बाद मिट्टी भरने के बाद उसको प्रोसेस आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ये देख सकते हो आप, आगे का प्रोसेस यहाँ होता है। इस तरह मिट्टी को स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। देख सकते हो आप फुल किस तरह यहाँ पर रखे हुए हैं सब ईंटें। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पहले से पक चुका है ये ईंटें। ये देख सकते हो आप, ये ईंट पक चुके हैं और वहाँ पर रखा हुआ है और वहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों ये ईंट बनाने का प्रोसेस जो होता है, अभी इसको भट्टी में डाला जाता है जलने के लिए। तो ये जब जल जाता है तो ये पक जाता है पूरी तरह। अभी थोड़ा कच्चा है ये ईंट। और ये जो एक तरह का, दो तरह का ये जो ढेर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये ढेर को बाद में इसको पानी से गलाया जाएगा, फिर इससे जो है ईंटें बनाई जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितने सारे ईंट हैं यहाँ पर ऑलरेडी। वो देख सकते हो पूरा पहाड़ लगा हो, उसके ऊपर घास जम गए हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, ईंटों को स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है किस तरह। तो इसको भाई कितना टाइम लगता है पूरा बन जाने में? ये अभी बन गया है। बन गया है क्या? और इसको भट्टी में कब डाला जाएगा? सूखने के लिए 2-3 दिन लगता है। 2-3 दिन दोस्तों लगता है इसको सूखने के लिए ईंट को। और भट्टी किधर है? भट्टी मतलब जिसमें ईंट को जलाया जाता है, वो अभी लगाई नहीं, अब जब लगाई जाएगी तब। तो दोस्तों भट्टी जो है अभी नहीं लगाया गया है, क्योंकि बारिश होती रहती है कभी कभी, तो बारिश में जो है ईंट पूरा ख़राब हो जाता है। इस वजह से इसको पहले सुखाया जाता है, उसके बाद भट्टी बनाएंगे और वो भट्टी में पूरा ईंट को भर देंगे। उसके बाद पूरा उसको जला देंगे कि किस तरह उसको मतलब पकाया जाता है। वो देख सकते हो आप, वहाँ पर कुछ ईंट रखे हुए हैं, बता रहे हैं कि मतलब 1 दिन में 1000 ईंट ये लोग तैयार कर देते हैं। और इसका क्या प्राइस होता है भाई? इसका प्राइस पूरा तैयार होने के बाद इसका प्राइस होता है ₹14 एक ईंट का। अच्छा, और पूरा तैयार होने के बाद दोस्तों इसके एक ईंट की जो कीमत होती है वो ₹14 होती है। और इसी तरह इस ईंट को पूरा तरह बनाया जाता है, मतलब आप देख सकते हो ये फुल प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर यूज़ होता है, जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग जो बनती हैं और जो मकान वगैरह बनाते हैं लोग, वो इसी ईंट को यूज़ करके बनाते हैं। एंड यहाँ पर पूरा ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ ईंट पकी भी रखी हुई हैं, बट अभी जो इसका भट्टी का प्रोसेस होता है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो भट्टी का प्रोसेस अभी यहाँ पर नहीं स्टार्ट हुआ है। वो भट्टी का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? भट्टी कब लगाएंगे यहाँ पर? भट्टी कब लगाएंगे? अच्छा, तो ये अभी माल जो है, मटेरियल जो ये सब बनाए हैं वो अभी सूखा नहीं है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद वो भट्टी को तैयार करेंगे, भट्टी को बनाएंगे कि फिर उसको ईंट उसमें डालेंगे तो वो ईंट जो है पक जाता है। ये ईंट जो है दोस्तों अभी गीला है, ये देख सकते हो आप, अभी इसमें लिप चिपचिपाहट है, अभी ये पका नहीं है। तो अब होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईंट को किस तरह बनाया जाता है, स्ट्रक्चर किस तरह दिया जाता है। ईंट पकने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर, यहाँ से सेल होने के लिए ये रेडी हो चुका है। करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, 1 दिन में 1000 एक बंदा बनाता है। ये देख सकते हो आप, ये ईंट फुल प्रोसेस हो के यहाँ पर रखा हुआ है और अभी इसे सेल करने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ से लोग इनकम की बात करें तो भाई बहुत अच्छी खासी इनकम होती है यहाँ से, और आपको इन्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है इसमें।
क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं भट्टी बनाने में। सबसे मेन चीज़ जो प्रोसेस होता है वो भट्टी का ही होता है, जिससे कि लोग भट्टी में ईंटें डालते हैं तो वो पक्कर निकलता है। और यहाँ पर बहुत ही खतरा रहता है उस भट्टी में, जिससे कि लोगों की जान भी जाती है। और उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही ये दिक्कत वाले काम होते हैं, मतलब लोगों की जान भी जा सकती है। सो गाइज़ ये रहता है कुछ ईंट बनने का प्रोसेस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो गाइज़ ये होता है ईंट बनने का प्रोसेस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।